हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। मैं आज आपको बताऊंगा कि फेसबुक की बारे में मज़ीद ट्रेनिंग के इस ट्यूटोरियल के बारे में कि आप फेसबुक में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि प्राइवेसी सेटिंग कैसे की जाती है। उसके लिए सबसे पहले मैं facebook.com पे जाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्राइवेसी सेटिंग कैसे की जाती है। उसमें आपकी पोस्ट, अगर कुछ पोस्ट करते हैं तो कोई आप अपनी पोस्ट को हाइड कैसे कर सकते हैं ये, ताकि कोई देख ना सके। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे एक एरो का निशान है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे आप। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी में क्लिक करेंगे। प्राइवेसी में आप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे किया जाता है। हु कैन सी माई स्टफ, ये जो चीज़ है, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, क्या आपकी जो फ्यूचर पोस्ट है, अगर कोई पोस्ट करते हैं तो वो अभी तो पब्लिक है। आप यहां से अपनी पोस्ट को अगर हाइड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पोस्ट करते हैं कि ताकि दूसरे आपकी पोस्ट को देख ना सकें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपने इस पब्लिक है, यहां पे लिखा हुआ एडिट, इसके एडिट का निशान है, इसके आगे आप अपनी पोस्ट को हाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा होगा कि यू कैन मैनेज द प्राइवेसी ऑफ थिंग्स यू आर शेयर्ड बाय यूजिंग द ऑडियंस सिलेक्टर राइट वेयर योर पोस्ट दिस कंट्रोल रिमेंबर योर सिलेक्शन टू फ्यूचर पोस्ट। ये कह रहा है कि आपकी जितनी फ्यूचर पोस्ट होंगी वो आपकी कोई देख नहीं सकेगा, ठीक है, आप इस पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि पब्लिक है, फ्रेंड को शो करना चाहते हैं कि आप जो पोस्ट करें आपके फ्रेंड जो हैं वो देख सकें, या नीचे लिखा होगा मोर, आप इसको मोर करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ओनली मी। अगर ओनली मी करता हूँ तो ये क्या करेगा, रिमेंबर दिस इज़ द सेम सेटिंग यू फाइंड राइट वेयर योर पोस्ट एंड बाय चेंजिंग इट हेयर यू हैव आल्सो अपडेट इट देयर, कि यहाँ पर लिखा होगा, ये मैसेज दे रहा है कि आपकी सेटिंग जो है वो ऑलरेडी पोस्ट एरिए पे मौजूद है, यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पब्लिक कर देता हूँ कि अभी ये चेंज करेगा उधर से। मैं वापस जाता हूँ सेटिंग में, सेटिंग में वापस जाने के बाद मैं क्या करता हूँ प्राइवेसी में जाता हूँ, तो यहाँ से अभी मैं इसकी सेटिंग फिर दोबारा से चेंज करता हूँ। वो क्योंकि पब्लिक था, वो कह रहा है वहाँ से भी कर रहे हो, वहाँ से पब्लिक है तो यहाँ से करोगे तो फिर या वहाँ से कर लो, या अपनी टाइमलाइन से, या फिर वॉल से, तो या फिर यहाँ से कर लो, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। अभी करूँगा तो ये अभी मुझे मैसेज नहीं देगा, ठीक है, ये कह रहा है कि आप वहाँ से कर सकते हैं, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट ना करें, कस्टम करना है तो कस्टम कर सकते हैं, यहाँ से फिर आपको देना पड़ेगा शेयर दिस विद, आपको उसका नेम देना पड़ेगा, डोंट शेयर विद दिस, आप ये चीज़ें आप अपनी कर सकते हैं, किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, टैगल करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, यहाँ से ही कर सकते हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते, फ्रेंड का फ्रेंड सिर्फ देख सकते हैं वो कर सकते हैं। मैं लेकिन पब्लिक ही रखूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं पब्लिक अपनी पोस्ट पब्लिक रखना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से अपनी पोस्ट को हाइड कर सकते हैं, अपनी पोस्ट की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, मज़ीद पर जाके आप यहाँ से जो भी करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि आपके अपनी पोस्ट को कैसे हाइड कर सकते हैं, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अपने जाना है इधर राइट कॉर्नर में एरो के निशान पे क्लिक करना है, नीचे सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपने प्राइवेसी पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपने ये फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट टॉप पे है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, आपने इसके ऊपर है, इसके आगे एडिट का निशान है, यहाँ से आपने अपनी चेंजिंग कर लेनी है जो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट चेंजिंग हो जाएगी। फ्रेंड का फ्रेंड करेंगे तो फ्रेंड सिर्फ देख सकेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है आई होगी, और इसको अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ, और आने वाले वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ओके, शुक्रिया दोस्तों।